राणा राजपूताना चैनल से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जय मां भवानी, जय राजपूताना। हल्दी घाटी की लड़ाई। सन 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जी और मुगल सम्राट के बीच बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था। मुट्ठी भर राजपूत सैनिकों के बल पर महाराणा प्रताप जी ने अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। ये लड़ाई कई साल तक चली। महाराणा प्रताप जी की वीरता, युद्ध कौशल को देखकर अकबर दंग रह गया था। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने तमाम कोशिशें लगा दी थी, परंतु वो कभी मेवाड़ को न तो जीत सका और न ही कभी महाराणा प्रताप जी ने हार मानी। मगर इस देश के स्कूल और कॉलेज की किताबों में हमारा गौरवशाली इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता। पढ़ाया जाता है तो वो जिसमें हम कमजोर रहे, वरना बप्पा रावल और राणा सांगा जैसे योद्धाओं का नाम सुनकर मुगलों की औरतों के गर्भ गिर जाया करते थे। रावत रतन सिंह चुड़ावत की रानी हड्डा का त्याग नहीं पढ़ाया जाता, जिसने अपना सर काट कर दे दिया था। पाली के अलाव के ठाकुर खुशाल सिंह जी का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, जिन्होंने अंग्रेजों के अफसर का सर काट कर किले पे लटका दिया था, जिसकी याद में आज भी वहां पर मेला लगता है। दिलीप सिंह जुधेव को नहीं पढ़ाया जाता, जिन्होंने 1,00,000 आदिवासियों को फिर से हिंदू बनाया था। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, राजा विक्रमादित्य, वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हामिर देव चौहान, भंजीदल जडेजा, राव चंद्र सेन, विरम देव मेड़ता, बप्पा रावल, नाग भट्ट प्रतिहार, मिहिर भोज प्रतिहार, राणा सांगा, राणा कुंभा, रानी दुर्गावती, रानी पद्मिनी, रानी कर्मावती, भक्तिन मीरा, मेड़तानी वीर जयमल सिंह मत्तेड़िया, वीर छत्रसाल बुंदेला, दुर्गादास राठौड़, मालदेव राठौड़, महाराणा राज सिंह, विरम देव सोनरा, राजा भोज, सुहलदेव बैंस, अनंगपाल तोमर, राजा हर्षवर्धन बैंस और बंदा सिंह बहादुर जैसे वीर महान योद्धाओं का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता।